Hi friends, welcome to my YouTube channel SKN Math Tutorial. In previous video, we discussed the chapter continuity and did some problems. Okay, so today we will continue this chapter and do some more important problems and discuss about all time continuous functions. Okay friends, let's start the chapter. Thank you friends. Now friends, we will learn karenge. So that f of x is equals to x sin x 1 by x, x not is equal to 0, 0 when x is equal to 0. तो function को हम continuous प्रूव करना है. So that the function f of x is continuous, okay? Is continuous at x is equal to 0. तो function को हम continuous प्रूव करना है. देखा कैसे करेंगे solution. तो हियर गिवन दैट x नॉट इज इक्वल टू 0 मतलब इट इज x लेस देन 0 और मे बी x ग्रेटर देन 0. तो LHL और RHL लाके करना पड़ेगा, तो इसलिए हम ले जाएंगे पहले LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट ले जाएंगे. तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x पुट कर देंगे. f ऑफ x का वैल्यू x sin x 1 बाय x हो जाएगा, क्योंकि x लेस देन 0 भी वही फंक्शन, x ग्रेटर देन 0 भी वही फंक्शन. इसके लिए हम पुट करेंगे x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन बन जाएगा x sin x 1 बाई x. तो हम पुट कर सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 कर दे, इधर 0 करने से x के प्लेस में पुट करेंगे 0 माइनस h sin 1 बाई 0 माइनस h. ओके, देन लिमिट बन जाएगा h टेंस टू 0, 0 माइनस h मतलब माइनस h इन टू साइन माइनस 1 बाई h. समझ में आए कि नहीं. तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा. तो माइनस बाहर आ जाने से क्या हो जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, वी गेट हैच इन टू साइन वन बाई हैच. ओके, देन देखो सपोज हम इधर 0 पुट करेंगे. ओके, देन साइन 1 बाई 0 इधर पुट करेंगे. ओके, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 0 इंटू साइन का वैल्यू माइनस 1 से 1 में रहता है, माइनस 1 से लेकर 1 में रहता है. इसके लिए जो भी साइन का वैल्यू आएगा माइनस 1 से 1 तक आएगा. तो दिस इज द साइन फंक्शन. सो वी गेट दैट 0 इंटू एनी फाइनाइट वैल्यू बिटवीन माइनस वन एंड वन. ओके, जो भी वैल्यू आएगा माइनस वन एंड वन में, तो क्योंकि साइन का वैल्यू माइनस वन से लेकर वन तक रहता है, इसके लिए तो 0 एंटर कर दें. तो 0 के बाद तो साइन का वैल्यू आएगा माइनस वन से लेकर वन तक आएगा. तो एनी फाइनाइट वैल्यू बिटवीन 0, 1 टू -1 इज गिवन बाय 0. समझ में आएगी नहीं. तो जो भी वैल्यू लेंगे 1 से माइनस 1 तक साइन का, तो उसका वैल्यू आ जाएगा 0. तो 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल्स टू 0. समझ में आया. तो हमारा LHL आ गया 0. ओके, उसके हिसाब से RHL करेंगे. RHL देखा कैसे होगा, RHL इसे होगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x साइन 1 बाई x. ओके, तो नेक्स्ट लाइन वी कैन राइट दैट x टेंस टू 0, इधर 0 प्लस h साइन 1 बाई 0 प्लस h. ओके, देन यू गेट लिमिट x टेंस टू 0, तो h साइन 1 बाई h बन जाएगा, दैट इक्वल्स टू 0 इंटू साइन 1 बाई 0. सेम थिंग रिपीट, 0 इंटू एनी फाइनाइट वैल्यू गिवन बाय माइनस 1 टू 0 इज ऑलवेज ए 0, क्योंकि वो साइन का वैल्यू माइनस 1 से लेकर 1 तक ही रहेगा. इसके लिए जो भी 0 के साथ जो भी इंटू करेंगे साइन का वैल्यू, वो 0 ही आएगा. तो हमारा आ गया RHL इज इक्वल्स टू LHL. सो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0. लिख सकते हैं हियर वी गेट LHL इज इक्वल्स टू RHL. ओके, सो दिस देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0. समझ में आया. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स. देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन. ओके, तो कौन सा कंडीशन में हम जो भी फंक्शन को कंटिन्यूस बोल सकते हैं, कुछ क्लोज्ड इंटरवल ओपन इंटरवल के साथ और या क्लोज इंटरवल के साथ कैसे बोल सकते हैं दिस इज अ कंटिन्यूस फंक्शन. ओके, तो फर्स्ट देखो
A real function f is said to be continuous of an interval ab open interval if it is continuous at all points in ab. तो ab में जब वो function continuous बोल सके हैं तब कि जो फंक्शन ए बी के अंदर जितना भी पॉइंट होगा ए बी ओपन इंटरवल के अंदर जितना भी पॉइंट्स होगा वो सब पॉइंट में वो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए. उसके बाद बोल सकते हैं हम दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन ए बी. ओके तो ए बी ओपन इंटरवल का मीनिंग क्या है कि ना ए से स्टार्ट होगा एक्स लेस देन बी मतलब ए से ज़्यादा एर बी से कम जितना भी नंबर आएगा वो नंबर में वो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए. ओके तो देन वी कैन से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन दैट ओपन इंटरवल. समझ में आया द फंक्शन विच इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स ऑफ ओपन इंटरवल ए एंड बी. ओपन इंटरवल ए एंड बी ओपन इंटरवल मतलब ए फंक्शन सॉरी ओपन इंटरवल मतलब ए के ए से ज़्यादा और बी से कम. सपोज ए बी दो पॉइंट ले जाएंगे तो ए से ज़्यादा होगा एंड बी से कम होगा. जैसे कि मैं ले रहा हूँ टू और थ्री टू और फोर ले जाऊँ तो टू से ज़्यादा एंड फोर से कम. तो टू से ज़्यादा फोर से कम जितना भी नंबर होगा सब नंबर में द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज मस्ट बी कंटिन्यूस ऑल द पॉइंट्स सो दैट वी कैन से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन दैट ओपन इंटरवल. समझ में आया तो दिस इज फॉर डेफिनेशन फॉर ओपन इंटरवल ऑफ ए कंटिन्यूस फंक्शन. समझ में आया देन गो फॉर नेक्स्ट लाइन रियल फंक्शन. देन देखो फ्रेंड्स देखेंगे क्लोज इंटरवल. ए रियल फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूस ऑन ए क्लोज इंटरवल ए बी. तो बोला जाएगा क्लोज इंटरवल इफ इट इज कंटिन्यूस एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड कंटिन्यूस एट ए राइट फ्रॉम राइट राइट एंड कंटिन्यूस एट बी फ्रॉम लेफ्ट. ओके तो कंटिन्यूस फ्रॉम राइट एंड कंटिन्यूस फ्रॉम लेफ्ट. वो कैसे समझेंगे देखो सपोज एक फंक्शन था सब उसको बोलेंगे कि ना ए एंड बी क्लोज इंटरवल में वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा तब तो पहला फर्स्ट कंडीशन इज द फंक्शन इज मस्ट बी कंटिन्यूस ऑन दैट ओपन इंटरवल ऑफ ए बी देन द फंक्शन इज कंटिन्यूस फ्रॉम लेफ्ट ए द फंक्शन इज कंटिन्यूस फ्रॉम राइट बी. तो इसे कैसे समझेंगे देखो तो फर्स्ट कंडीशन इज लिमिट एक्सटेंस टू सी एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू ए बी. लिमिट एक्सटेंस टू सी ए बी के अंदर एक सी पॉइंट ले जाएंगे. ओके ए बी लिमिट एक्सटेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू ए बी. ए बी के अंदर एक सी पॉइंट ले जाएंगे वहाँ पर फंक्शन का लिमिट चेक करेंगे तो सपोज द फंक्शन इज gives rights f of c then it will be said that the function is a closed interval the function is continuous on closed interval. The second condition is limit extends to a plus f of x is equals to f of a. okay the limit extends to a plus मतलब right से check करेंगे a plus मतलब a से ज़्यादा. समझ में आया कि नहीं a plus मतलब a से ज़्यादा number से check करेंगे तो भी function f of a ना चाहिए. थर्ड कंडीशन इज लिमिट एक्सटेंस टू ए माइनस सॉरी बी माइनस एफ ऑफ एक्स विल गिव साइज एफ ऑफ बी. ओके तो जो भी क्लोज्ड इंटरवल ले जाएंगे. ओके तो तीन ठो कंडीशन में हम वो फंक्शन को कंटिन्यूस बोल सके वो इंटरवल में मतलब क्लोज्ड इंटरवल में. कैसे फर्स्ट कंडीशन इज ए बी में जो भी पॉइंट ले जाएंगे सी में चेक करेंगे सॉरी ए बी में अंदर जो भी सी पॉइंट ले जाएंगे उसका लिमिट चेक करेंगे तब एफ ऑफ सी बन जाएगा उस फंक्शन के साथ सेम हो जाएगा देन इट विल बी से दैट इट इज ए कंटिन्यूस फंक्शन. देन वी गेट आफ्टर ए ए प्लस मतलब ए के बाद जो भी नंबर के लेकर टेस्ट करते हैं द फंक्शन इज गिवन द फंक्शन गिव्स द एफ ऑफ ए वैल्यू एफ ऑफ ए फंक्शन वैल्यू देन इट विल बी से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन दैट इंटरवल. थर्ड कंडीशन इज लिमिट एक्सटेंस टू बी माइनस बी के नीचे. ओके बी माइनस चेक करेंगे एक ए से ज़्यादा बी से माइनस एंड सी पॉइंट ले जाएंगे देन इट गिव्स रस एफ ऑफ बी देन वी सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन दैट इंटर ऑन दैट ऑन दैट क्लोज इंटरवल. समझ में आया ए से ज़्यादा ले जाएंगे ए प्लस बी माइनस चेक करेंगे एंड बीच के अंदर सी पॉइंट लेकर चेक करेंगे.
वो तीन टा कंडीशन जब सेटिस्फाई होगा हम बोल सके द फंक्शन द रियल फंक्शन इज कंटिन्यूस एट दैट क्लोज इंटरवल। ओके सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 2, 3 क्लोज इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल का मीनिंग क्या है कि ना 2 से ज़्यादा और समान और 3 से कम और समान, 2 से ज़्यादा और समान और 3 से कम या समान, वो दोनों से उसके अंदर जो भी पॉइंट ले जाएंगे तो 2 प्लस में चेक करेंगे, 3 माइनस में चेक करेंगे, उसके अंदर जो भी पॉइंट ले जाएंगे, सपोज मैं ले रहा हूँ 3/2 ले, 3/2 नहीं तो होगा 5/2 ले रहा हूँ सपोज। ओके तो 5/2 सी पॉइंट में चेक करेंगे, वो सी पॉइंट में चेक करने से भी वो तीन ठो कंडीशन में जब वो फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूस हो जाएगा, देन वी से दैट द फंक्शन इज क्लोज, फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन दैट 2 and 3 इंटरवल। समझ में आया? तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर कंटिन्यूस फंक्शन, तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स। देन देखो A real function is said to be continuous function if it is continuous at every point of domain. जो भी real function continuous function बोल सकता है जब the function continuous at every point of domain. जो भी domain point में वो continuous होगा then it will be said that the function is continuous. A function may or may not be continuous at all the points in its domain. A function तो सब function उसका domain के साथ continuous नहीं होगा, domain points के साथ continuous नहीं है, कभी कभी नहीं होते। ओके तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स। आगे देखो फ्रेंड्स, देखेंगे अभी सम कंटिन्यूस फंक्शंस। ओके तो जो फंक्शन कंटिन्यूस होगा ऑल द टाइम, जो भी फंक्शन दिस फंक्शन में दूंगा वो सब फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। देखो फर्स्ट इज एवरी कॉन्स्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स, जो भी कॉन्स्टेंट फंक्शन लेंगे वो जो पॉइंट में भी कंटिन्यूस होगा। तो देखो कॉन्स्टेंट फंक्शन मतलब ऐसे बोल सकते हैं x इज इक्वल्स टू a, x इज इक्वल्स टू पता है ना कि नहीं, x इक्वल्स टू मतलब वो लाइन आ जाएगा पैरेलल टू x एक्सिस आ जाएगा, वो फंक्शन जो भी पॉइंट में हम ड्रा कर सकते हैं, जो भी पॉइंट में ले जाओ 3, 4, 5 एनीथिंग नंबर, जो भी नंबर ले जाओ हम ड्रा कर सकते हैं x इक्वल्स टू फंक्शन को। तो वी से दैट दिस इज कंटिन्यूस एट ऑल द पॉइंट्स, एट ऑल द पॉइंट्स इन इन द सेम वे यू कैन से दैट सपोज y इक्वल टू -3, तो टेकिंग y इक्वल टू -3 इट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, देन इट विल ऑल्सो ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, जो भी एक्स एक्सिस में पॉइंट ले जाएंगे सब पॉइंट में वो फंक्शन ड्रा कर सकते हैं, जो भी पॉइंट जो भी रियल फंक्शन जो भी रियल वैल्यू ले सकते हैं वहाँ पर ड्राइंग कर सकते हैं। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर कंटिन्यूस फंक्शन। फर्स्ट पॉइंट इज एवरी कॉन्स्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स। ओके तो नेक्स्ट देखो The identity function in continuous at all points. Identity function मतलब जो भी identity function ले जाएंगे, first year में था जो भी identity function continuous होगा at all the points. Okay? ध्यान देखो every polynomial function is continuous at all the points. Polynomial मतलब x³ + 3, 4x² - 5 + 5, x³ - 4x + 5 जो भी कंटिन्यूस फंक्शन लेंगे, ओके जो भी पॉलीनोमियल लेंगे वो ऑल द टाइम दिस इज कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट। समझ में आया? देन देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स आर कंटिन्यूस एट ऑल द पॉइंट। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स मतलब साइन एक्स फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स वो दोनों फंक्शन जो भी पॉइंट में कंटिन्यूस होगा। ओके तो नेक्स्ट देखो क्योंकि उनका डोमेन -1 से 1 रख रहता है, 0 से 1 तक रहता है, तो वो डोमेन के साथ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो -1 से 1 में जो भी पॉइंट लेके चेक करेंगे वो साइन एक्स कंटिन्यूस होगा। इन द सेम वे यू कैन प्रूव दैट कॉस एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूस। ओके तो देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ए ग्रेटर देन 0, ए 0 से बढ़ाना चाहिए, देन ए नॉट इज इक्वल टू 1, 0 से बढ़ाना चाहिए, ए नॉट इज इक्वल टू 1 इज कंटिन्यूस एट ऑल द पॉइंट। ओके 1 to power x छोड़ के जो भी a to power x एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेंगे फॉर a greater than 0 तो इट विल बी कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट ऑल द पॉइंट्स। ओके तो फर्स्ट इज 1 छोड़ना है, 1 to power x छोड़ेंगे और क्या करेंगे, हाँ जो भी पॉइंट ले जाएंगे तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट ऑल द पॉइंट एट ऑल द पॉइंट्स। रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ऑल द पॉइंट्स इन इट्स डोमेन दैट इज। ओके तो कंटिन्यूस फंक्शन देखो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स। ओके रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स इन इट्स डोमेन दैट
एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल द पॉइंट वेयर जी ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो. ओके, जी ऑफ एक्स फर्स्ट गॉट वन कंडीशन है, दैट इज व्हेन जी ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो द टोटल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल द पॉइंट. तो टेक एग्जाम्पल, देखो मैं ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस फोर डिवाइड बाई एक्स माइनस टू. ओके, तो x माइनस टू मतलब x के प्लेस में हम जब 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. 0 होने से हमारा जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो 0 होने से वो फंक्शन वो पॉइंट में क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा, बट ऑल द टाइम इट इज कंटिन्यूअस एक्सेप्ट 2. ओके, तो दिस फंक्शन ले जाएंगे, सपोज एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू 2. ओके, एक्स इज इक्वल टू के व्यतीत जो भी नंबर पुट करेंगे वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा. ओके, सिर्फ एक ही कंडीशन है ना, जी ऑफ एक्स जीरो होना नहीं चाहिए. ओके, उसको छोड़ के जो भी पॉइंट लेने से वो पलने वाला फंक्शन बन जाएगा, उसके हिसाब से वो कंटिन्यूस हो जाएगा. ओके, तो नेक्स्ट देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स, समझ में आया. तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स इज ए कंटिन्यूअस एक्स ग्रेटर देन 0. ओके, एक्स से ज्यादा, 0 से ज्यादा जो भी नंबर लेने से दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, समझ में आया. तो एफ ऑफ एक्स इज ए लॉग एक्स इज ए फंक्शन दैट कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0. x से ज्यादा जो भी नंबर लेने से दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ऑल द पॉइंट्स. ओके, देन देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 10x, देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू sec x आर कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स प्रोवाइडेड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 10x, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 10x एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू sec x आर कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स प्रोवाइडेड एक्स नॉट इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2n+1 पाई बाई 2 और n बिलोंग्स टू i. ओके, तो वो फंक्शन को छोड़ के जितना भी पॉइंट लेंगे 10x एंड sec x आर कंटिन्यूस होगा. ओके, तो 2n+1 पाई बाई 2 के बिना जो भी पॉइंट डाल सकते हैं, देन दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑल द पॉइंट्स. ओके, then next point is f of x is equal to cot x, then f of x is equal to cosec x or continuous at all the point provided by x not is equal to n by pi. x is equal to n pi बिना लेके जो भी point लेंगे वो function, वो दोनों function continuous बन जाएगा at all the points. okay, for n belongs to y. then देखो f of x is equals to x माइनस ए का मॉड इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स. मॉड फंक्शन है, मॉड फंक्शन x माइनस ए, तो जो भी पॉइंट लेंगे वो कंटिन्यूस होगा. ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज कंटिन्यूस एट ऑल द पॉइंट्स एक्सेप्ट x बिलोंग्स टू i, एक्सेप्ट x बिलोंग्स टू i. ओके, एक्स बिलोंग टू आई मतलब इंटीजर, इंटीजर के बिना जो भी पॉइंट ले सके हम इधर किधर, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तब वो फंक्शन बन जाएगा कंटिन्यूस एट ऑल द पॉइंट्स. बट इंटीजर का कोई नंबर उधर लेना नहीं चाहिए. ओके, जो और जो पॉइंट भी लेना हो, रेशनल नंबर, इसनल नंबर, जो भी नंबर लेने से होगा, बट इंटीजर लाइन लेना चाहिए. तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटिन्यूस फंक्शन, ज़्यादा टाइम एंट्रेंस में आता है, प्लीज़ फ्रेंड्स नोट इट डाउन. एंड दिस फंक्शंस आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम ऑल्सो, वन मार्क के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट. ओके फ्रेंड्स, जिसको वो जो फंक्शन का मैं बताया अभी, जिसको प्रूफ चाहिए तो कमेंट करो, उसको लेकर मैं और एक वीडियो बना पाऊंगा. ओके, इफ एनी डाउट इंक्वायरी कॉल माई मैसेज माई गिवन व्हाट्सएप नंबर एंड कमेंट इन द वीडियो सेक्शन. तो प्लीज़ नोट इट डाउन फ्रेंड्स, आगे जाएंगे. तो फ्रेंड्स क्वेश्चन करेंगे, एग्जामिन द कंटिन्यूटी, एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स. ओके, तो एफ ऑफ एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का रियल वैल्यू, तो उसका डोमेन हो जाएगा, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स
इज गिवेन बाय आर, उसका डोमेन आर बन जाएगा रियल नंबर, एवरी रियल नंबर दैट इज ए डोमेन, ओके एग्जिस्ट द डोमेन. सो लेट लेट ए बी एनी रियल नंबर, लेट ए बी एनी रियल नंबर, तो यू हैव टू शो लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज ए रियल वैल्यू, गिव्स ए रियल वैल्यू. सो एक्सटेंड्स टू ए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज गिवन बाय साइन ए माइनस कॉस ए, दैट आल्सो गिव्स द एफ ऑफ ए, बिकॉज एफ ऑफ ए पुट करेंगे जो इधर तो बन जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, तो इट गिव्स एज आल्सो एफ ऑफ ए. तो लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, देयरफॉर लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू आ गया एफ ऑफ ए. ओके, तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट. ओके, तो आई ऑलरेडी नो दैट द साइन एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, कॉस एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन. ओके, वी स्टडी इन प्रीवियस नोट्स. ओके, प्रीवियस नोट में पढ़ चुके हैं कि साइन एक्स एंड कॉस एक्स आज द कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल दैट पॉइंट्स. तो इसके लिए उसके हिसाब से लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज ऑल्सो ए कंटिन्यूस फंक्शन एट एनी रियल नंबर ए. ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज नोट इट डाउन. देखो फ्रेंड्स, वो फंक्शन का कंटिन्यूस चेक करेंगे. देखो वो फंक्शन कैसे होगा, तो एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय एक्स फोर माइनस सिक्सटीन एक्स माइनस टू वैन एक्स नॉट इज इक्वल टू, तो एक्स लेस देन टू लिया, इधर एक्स ग्रेटर देन टू ले जाओ. तो देखो इधर हम लिख सकते हैं, तो इधर पुट एक्स इक्वल टू पुट करने से वो जी ऑफ एक्स, तो इधर बोलते हैं एफ ऑफ एक्स बोलते हैं डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर एफ ऑफ एक्स एंड डिनोमिनेटर जी ऑफ एक्स. तो पुट एक्स इक्वल टू द जी ऑफ एक्स इज गिवन बाय टू माइनस टू दैट इज इक्वल्स टू जीरो हो गया. ओके, तो जी ऑफ एक्स कांट बी जीरो. तो दिस फंक्शन इज, तो ले सकते हैं दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इफ एक्स नॉट इज इक्वल टू. एक्स नॉट इज इक्वल टू में दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस, बिकॉज एक्स इज पुट एक्स इज इक्वल टू पुट नहीं करने से वो और एक फंक्शन आ जाएगा. देखो कैसे, एक्स फोर माइनस सिक्सटीन. ओके, तो हम ले सकते हैं एक्स फोर माइनस सिक्सटीन मतलब एक्स फोर माइनस सिक्सटीन डिवाइड बाई एक्स माइनस टू, इधर ले सकते हैं एक्स फोर्थ माइनस, इधर ले सकते हैं टू का फोर्थ. तो टू का फोर लेने से इसे कर दो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर देन फोर का स्क्वायर डिवाइड बाई x माइनस टू, देन यू हैव टू गेट वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस फोर एंड एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस एक्स माइनस टू, दट इज इक्वल टू बन जाएगा x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस फोर डिवाइड बाई एक्स माइनस टू. तो x माइनस टू काट सकते हैं, तो हमारा आ जाएगा फंक्शन x प्लस टू एंड एक्स स्क्वायर प्लस फोर, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस एट बन जाएगा. ओके, तो दिस इज ए पॉलीनोमियल फंक्शन, दिस इज ए पॉलीनोमियल फंक्शन. तो एवरी पॉलीनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ऑल द पॉइंट्स. तो व्हेन वी कैन पुट एक्स इज इक्वल टू द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ऑल द पॉइंट, बिकॉज इट कम इनटू ए बिकम्स ए पॉलीनोमियल फंक्शन. ओके फ्रेंड्स, तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट एक्सेप्ट टू. समझ में आया, तो एक्स टू के छोड़ के जो भी पॉइंट डालने से वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा ऑन दैट पॉइंट. ओके फ्रेंड्स, तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ सम कंटिन्यूस फंक्शन, तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स. तो आज हम सीखें कंटिन्यूस फंक्शन और सम मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटिन्यूस फंक्शन. तो नेक्स्ट क्लास में वो चैप्टर का हम कंटिन्यू करेंगे और कुछ प्रॉब्लम करके. तो आप आर्य शर्मा एनसीईआरटी टॉपिक हायर सेकेंडरी जो भी बुक का प्रॉब्लम ट्राई करो, जिसको भी जो डाउट है मुझे दे गए व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करते हैं. फॉर एनी डाउट एंड क्वारी मैसेज में गिवेन व्हाट्सएप नंबर एंड और कमेंट ऑन द वीडियो सेक्शन. ओके फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सब बच्चे वीडियो को देख पाएँ एंड पढ़ पाएंगे. थैंक यू फ्रेंड्स, वेट फॉर नेक्स्ट.